Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sushant Singh. In this particular video, we will solve CAT 2018 percentages profit and loss question. So start karte hain apna video. And one request to guys, if you are liking my video, then please do subscribe my channel and share with your friend. So this is the first question. Read karte hain first question ko. And one request to you guys, pause this video and solve the question, then look the solution. ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन देखो और उससे लर्निंग हो जाए. दिस थिंग्स विल नॉट हैपन विदाउट एफर्ट के यू कांट गेट अप्रोच लाइक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो बेटर है कि आप खुद से एक बार ट्राई करो देन ही सॉल्यूशन चेक करो. सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सो रीड करते हैं क्वेश्चन. इन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज एन ओके व्हाइल द पास मार्क्स इज 45% ऑफ एन ओके. A candidate obtains 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. Okay, so which one of the following is then correct? So there is option like n less than 200, 243, n. Okay, so we have to find the value of n. N ka value kya hai? So see guys, in these types of question, like jab bhi kabhi n x aisa kabhi diya raha hai kisi bhi question mein. तो ये स्ट्रेट वे हम इस एक वेरिएबल में डील ना करते हुए इस पे हम एक अनदर वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं. लाइक सपोज एन का वैल्यू है 100x. सो वहां पे लाइक द कैलकुलेशन पार्ट बिकम्स इजी. सपोज लाइक 55% ऑफ एन. सो 50 by 100 इनटू एन दिस इज द पासिंग मार्क्स. सपोज इफ इफ वी एज्यूम द वैल्यू ऑफ एन इज 100x. सो So passing marks would be how much? 45x. So see how the things will change by simple assuming the another variable. So this is the going to be change if we assume the another variable. So let's assume the value of n. I hope आपको अब क्लियर हो गया कि क्यों एन का एज्यूम करना चाहिए वैल्यू. सो दिस इज द नॉट एप्लीकेबल ओनली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जहां भी कभी भी क्वेश्चन आए एन एक्स मतलब कि यहाँ जैसे एक्स वाई दे दिया है. सो टेक वैल्यू ऑफ एन एक्स वाई जो भी है 100 समथिंग एंड मतलब कुछ भी 100 वगैरह इस पे एज्यूम करो ताकि कैलकुलेशन बिकम इजी. सो लेट सपोज वैल्यू ऑफ एन assume 100x. Now what question is saying passing marks is 45% of n. So passing marks would be 45x, 45% of n. So 45% of 100x. So 45x. अब आगे क्या बोल रहा है कि a candidate get 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. इट मीन्स डेट जो ये 36 है वो पासिंग मार्क्स का 32% है. 36 जो है वो पासिंग मार्क्स का 32% है. तभी तो ये बोल रहा है ना कि 68% से वो फॉल शॉर्ट हो गया पासिंग पास मार्क्स से. सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पासिंग मार्क्स का 32% जो है वो 36 है. So passing marks is how much? 45x into 32 by 100 divided equal to 36. So cancel out करते हैं. 9 4 जा 8 4 जा. So 9 5 जा 45 5 20 जा 100. So x become 20 by 8. ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमिनेटर में है. सो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा. सो 20 by 8 इक्वल टू हाउ मच? 10 by 4. देखो x का वैल्यू 10 by 4 आ गया. आप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हियर. सो 100 into 10 by 4. सो 5 2 50. सो 55 जा 250. सो वैल्यू ऑफ एन इज 250.
ऑप्शन चेक करते हैं, एन लेस देन 200, नहीं, 243 एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 243 लेस देन इक्वल टू 252 और एन का वैल्यू वी हैव 250, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस वुड बी आवर आंसर। एन ग्रेटर देन 253 नो, 216 243 नो, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया सो क्वेश्चन इज अ वेरी इजी। बस ये चीज समझना है कि जो 36 मार्क्स ऑब्टेंड किया है फिर भी वो फॉल शॉर्ट बाई 68% पासिंग मार्क्स से। इसका एक एक तरीका और मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि पासिंग मार्क्स इक्वल टू 36 प्लस 68% ऑफ पासिंग मार्क्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 36 प्लस 68/100 इंटू पासिंग मार्क्स। इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, 36 प्लस 68/100 इंटू 45x एंड पासिंग मार्क्स इज हाउ मच, 45x, सो 45x इक्वल टू दिस 34 50, देन 9 5 45 10, सो 36 प्लस 9 4 3 27 30 306 x डिवाइडेड बाय 10। अब यहां से आप सॉल्यूशन करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, सेम इतना ही आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गया इतना सारा, यहाँ पे कैलकुलेशन बिकम वेरी इजी। बस यहाँ पे ये चीज समझना है कि 68 मार्क्स से वो फेल कर रहा है, इट मींस 36 मार्क्स मार्क्स इज इक्वल टू 32% ऑफ पासिंग मार्क्स। ये चीजें समझ में आ गया, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ओके, अगर आपको वो चीजें क्लिक नहीं होगी हुई होगी तो अभी आपको क्लिक हो गया, सो देन अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है सो यू शुड सॉल्व बाय दिस अप्रोच। ओके, आई होप ये आपको मेक सेंस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन टू। सो रीड करते हैं ये क्वेश्चन। अ होलसेलर बॉट वॉलनट्स एंड पीनट्स, ओके, द प्राइस ऑफ वॉलनट्स पर केजी बीइंग थ्राइस, ओके, द पीनट्स पर केजी, ओके, वॉलनट थ्राइस पीनट पर केजी, ओके, ही देन सोल्ड 8 केजी ऑफ पीनट्स एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 16 केजी ऑफ वॉलनट एट प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ शॉपकीपर। हाउएवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 केजी ऑफ वॉलनट, ओके, हियर इज द शॉपकीपर एंड हियर इज द होलसेलर and 3 kg of peanuts in transit. He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at 166 per kg, thus making an overall profit of 25%. At what price in rupees per kg did the wholesaler buy walnuts? Means we have to find the cost price of walnut. So very simple. Assume कर लेते हैं कि जो ये wholesaler है उसका वॉलनट का जो सीपी है और पीनट का सीपी, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पीनट्स का जो कॉस्ट है वो थ्राइस है, सॉरी वॉलनट का जो कॉस्ट है वो थ्राइस है पीनट से। तो लेट्स अज्यूम पीनट का कॉस्ट प्राइस, सो 100x अज्यूम कर लेते हैं कि 100x, यू कैन टेक 100x ऑल्सो, और एक सिंपल x में लोगे सो कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। सो हम लोग 100x में लेते हैं, सॉरी 10x, 100x भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो प्राइस ऑफ वॉलनट बिकम्स 30x। अब क्या बोल रहा है कि देन ही सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स, ओके, पीनट्स 8 kg ऑफ पीनट्स, ओके, एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। इट मींस दैट सीपी ऑफ पीनट्स इज 100 एंड होलसेलर गेटिंग प्रॉफिट 10%, इट मीन्स दैट होलसेलर इज सेलिंग पीनट्स फॉर अ कॉस्ट ऑफ 11x। वेरी सिंपल, प्रॉफिट इज 10%, इट मीन्स दैट
his selling price is 11x and he sold 8 kg of peanuts. So 8 kg of peanuts and CP is 11x. Now comes to walnuts part. So 16 kg walnuts, he sold 16 kg walnuts. 16 kg at the profit of 20%. So 20% profit. It means that if wholesaler making 20% profit, so then selling price is how much? So 30 ka 10% is 3, 20% is 6. It means that selling price is 36x for walnut. Making 20% profit, it means that selling price is 36x. So selling price 36x and he sold 16 kg of walnut. So this becomes 88x and this becomes 16 3 96. So 9, 16 3 is 48 or 957. So 57x. And total is 864 15 16 156. Okay, so this much amount wholesaler get. अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लाइक हाउ एवर. अब देखो गाइज यहाँ पे सिंपल सा, ये शॉपकीपर को सेल किया, तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर का है वही तो कॉस्ट प्राइस होगा शॉपकीपर का. तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस 36x फॉर वॉलनट एंड 11x फॉर पीनट्स. 36x फॉर वॉलनट्स एंड 11x फॉर पीनट्स, ये हो जाएगा शॉपकीपर का सीपी. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब बढ़ते हैं आगे. अब क्या बोल रहा है कि द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वॉलनट एंड 3 kg ऑफ पीनट्स. इट मींस दैट द शॉपकीपर नाउ हैव 11 kg ऑफ वॉलनट एंड 3 kg, इट मींस दैट 5 kg ऑफ पीनट्स. एंड देन ही मिक्स द रिमेनिंग नट्स, मींस ये दोनों को मिक्स कर ले रहा है वो. सो टोटल बिकम 16 kg. क्या बोल रहा है कि he sold the mixture at 166 per kg and making a profit of 25%. It means that he sold 166 per kg. So total selling price इतना हो जाएगा for the shopkeeper. अब बोल रहा है कि 25% का profit gain कर रहा है. So 25% का profit gain कर रहा है किस पे? Total CP पे. For shopkeeper, the total CP is 664 ना. जो wholesaler का SP है वो shopkeeper का CP होगा. So 664 is total CP of shopkeeper. So अब यहाँ पे बोल रहा है 25% profit. It means that CP into 25 means 1/4. So अब profit है. So CP into 5/4 equal to SP. So total SP is 166 into 16. So CP is 664x into 5/4 equal to 166 into 6. अब solve करते हैं. So ये 4 से जाएगा, हाँ चला जाएगा, 64 है. So 4 1 2 6, so 6 4 24 or 6 166 x. okay, great. 166 166 cancel out, so x become 16/5. So we got the value of x, and now we have to find the cost price of walnut, and the cost price of walnut is 30x. So put the value of x. So 30x equal to 30 into 16/5. So 16 6 is 96. So 96 is the answer. Option B is the correct answer. So I hope this is clear to you. Very easy question, not a difficult one. Bas thora sa language hai.
और कुछ नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन पार्ट इज वेरी इजी। सो आई होप दिस मेक सेंस। तो सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं। अ ट्रेडर सेल्स 10 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी, ओके, वेयर द अमाउंट ऑफ वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए, ओके, दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट, दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट। सो वन थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज केयर इन द क्वेश्चन, लाइक वेन एवर द क्वेश्चन गिव ना कॉन्स्टेंट्स, ऑलवेज ऑलवेज गिव फोकस ऑन द कॉन्स्टेंट, लाइक द व्हाट इज द कॉन्स्टेंट इज सेइंग। सो ही कॉन्स्टेंट इज दैट अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ए, इट मीन्स दैट अमाउंट जितना भी होगा बी का वो लेस देन और इक्वल टू ए होगा। दिस इज द कॉन्स्टेंट मीनिंग, लाइक द अमाउंट ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए डज नॉट एक्सीड ऑफ ए, ए से एक्सीड नहीं कर रहा है, इक्वल तो हो सकता है ना, एक्सीड ही नहीं करना है ना, लेकिन इक्वल तो हो सकता है। तो दिस इज आवर कॉन्स्ट्रेंट। नाउ आगे रीड करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज Rs 8 मोर देन दैट ऑफ पेंट बी, ओके, सो कॉस्ट का रिलेशन दिया है ए बी में। इफ द ट्रेडर सेल्स द इंटायर मिक्सचर फॉर 264 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन द हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी इन रुपीज पर लीटर, ओके, हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, इट मीन्स दैट ये कॉन्स्टेंट का यूज इसी के लिए दिया है, कॉन्स्टेंट की हाइएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कितना होगा। अब देखो गाइस यहाँ पे कुछ मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब डिप ज्यादा नहीं है, बस मिक्सचर मिक्सचर दे दिया है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि मिक्सचर का ये क्वेश्चन है, बट मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिक्सचर का उतना है ही नहीं। सो अब क्या बोल रहा है कि 10 लीटर पेंट है। सो इस 10 लीटर में कुछ पेंट ए होगा, कुछ पेंट बी होगा, यही होगा ना, 10 लीटर में कुछ पेंट ए होगा, कुछ पेंट होगा, क्योंकि ये 10 मिक्सचर है। तो लेट सपोज कि 1 लीटर पेंट ए है, सो पेंट बी कितना होगा, 10 माइनस 1, 1 लीटर पेंट ए है तो 10 माइनस 1 लीटर पेंट बी हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया कि ये कॉन्स्टेंट है कि द अमाउंट ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए, कूल, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ ए पर लीटर इज 8 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंट बी, सो वी हैव टू अज्यूम द कॉस्ट ऑफ पेंट बी। सो लेट सपोज कॉस्ट ऑफ पेंट बी, कॉस्ट ऑफ पेंट बी इज y एंड कॉस्ट ऑफ पेंट ए इक्वल टू हाउ मच, y, वन सेकेंड, या y प्लस 8, y प्लस 8। अब क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेडर सेल इंटायर मिक्सचर ऑफ 264 देन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इट मीन्स दैट सीपी इनटू 11/10, 10% का प्रॉफिट है, मतलब 1/10, सो 11/10 प्रॉफिट है। सो यहाँ पे ऐसे 1 में 10 ऐड कर लेंगे, सो आ जाएगा इक्वल टू SP, SP इज 264, सो CP इंटू 11/10 इंटू 264, सॉरी इक्वल टू 264। सो ये अपना एक और रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे मुझे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कॉस्ट ऑफ पेंट बी, मतलब y का वैल्यू चाहिए, एक रिलेशन यहाँ पे है, एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग CP निकालते हैं कि CP कितना है। अब देखो कॉस्ट है पेंट बी का ₹1 और पेंट बी 10 माइनस 1 लीटर है, सो इसका CP हो जाएगा y इंटू 10 माइनस 1, ए का कॉस्ट प्राइस है y+8 और 1 लीटर है, सो इसका टोटल CP हो जाएगा y+8। अब इन ए का भी सी ए का सीपी और बी का सीपी ऐड कर लेंगे, सो वी गॉट टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर,
सो एक्स वाई यस सॉरी गाइस नेट चला गया था। सो मैं यहां से एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि लाइक द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी पेंट बी इज वाई एंड द अमाउंट इज 10 माइनस x। सो सीपी बिकम्स वाई इंटू 10 माइनस x एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेंट ए इज वाई प्लस 8 एंड द अमाउंट ऑफ पेंट ए इज एक्स लीटर। सो टोटल सीपी ऑफ पेंट ए इज एक्स इंटू वाई प्लस ए एंड इफ वी एड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंट ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंट बी वी गॉट द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर एक्स प्लस वाई प्लस 8x प्लस 10y माइनस एक्स वाई। सो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई गॉट कैंसिल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10x प्लस 10y। तो पुट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस हियर। सो 8x प्लस 10y इंटू 11/10 इक्वल टू 264। सो 11 2 जा 22 11 4 240। ओके सो 8x प्लस 10y इक्वल टू 240। सो वी गॉट द इक्वेशन एक्स और वाई में। देखो कॉन्स्टेंट क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ बी इन मिक्सचर डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ए। अब टोटल क्वांटिटी जो मिक्सचर का है वो 10 लीटर है और कॉन्स्टेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ ए। इट मीन्स दैट बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है? 0 लीटर से 5 लीटर तक। इससे मैक्सिमम तो नहीं जा सकता। 6 लीटर वी कांट टेक द अमाउंट ऑफ पेंट बी वी कांट टेक 6 लीटर बिकॉज अगर 6 लीटर लिया तो ए 4। तो ये तो कॉन्स्टेंट को मतलब गलत कर देगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इज 5 लीटर एंड मिनिमम वी कैन टेक 0 लीटर। सो अब वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। सो लेट बी 5 लीटर है। सो बी 5 लीटर है। सो ए भी 5 लीटर। इट मीन्स दैट एक्स का वैल्यू 5। सो पुट हियर 40 प्लस 10y इक्वल टू 240। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे 200। सो वाई बिकम 20। सो वैल्यू ऑफ वाई 20 आया यहाँ पे जब बी हमने 5 लीटर एज्यूम किया। अब लेते हैं बी 4 लीटर। सो बी 4 लीटर तो ए कितना होगा? 6 लीटर। अब ए 6 लीटर इट मीन्स दैट ए वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो 48 8 6 जा 48 प्लस 10y इक्वल टू 240। सो वाई इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 10। सो 19.2। ओके सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंट भी 20 लीटर आया और यहाँ पे 19.2 रुपीज आया। सभी देखो गाइस यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट भी हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट भी। सो हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पेंट भी का 20 लीटर होगा कब? जब बी 5 लीटर होगा और ये भी 5 लीटर होगा। अगर देखो यहाँ पे हमने डाउन किया बी का वैल्यू सो कॉस्ट प्राइस भी डाउन हुआ। सो अगर सपोज बी का वैल्यू हमने 3 ले लिया सो कॉस्ट प्राइस विल बी गो डाउन। सो आवर आंसर इज 20 लीटर दैट इज ऑप्शन सी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैट 2019 का परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बाय बाय गाइज कीप लर्निंग एंड ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हैप्पी लर्निंग।